हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की रेसिपी है बंडे का कचालू। और इसको हम बनाने के लिए लेंगे यहाँ पे बंडा, और इसको बॉईल होने के लिए हम कुकर में डालेंगे। और अब हम डाल देंगे इसमें पानी, और इसे अब हम गैस पे चढ़ा देंगे ढक्कन लगा के। और इसको हाई फ्लेम पे 2-3 सीटी और लो फ्लेम पर 1-2 सीटी में ये हो ही जाएगा। तो अब हम इसे लेंगे, ये देखिए बॉईल हो चुका है। अब हम इसको छील लेंगे हाथ से, नहीं तो नाइफ से आप इसको छील सकते हैं आराम से। ये देखिए इस तरीके से। और ये देखिए यहाँ पे कुछ टाइट रहता है, तो इसको हम चाकू से कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं सभी बंडे छिलके तैयार हैं। और अब हम इसको कट कर लेंगे इस तरीके से गोल शेप में। इतनी इतनी मोटी लेयर रखनी है हमको। इस तरीके से हम सभी बंडे को कट कर लेंगे। तो आप जब घर पे हों तो इसे बनाइए। ये देखिए सभी पार्ट्स कट के तैयार हैं। और अब हम डालेंगे इसमें इमली की चटनी। इस चटनी का वीडियो हम अपने चैनल पर डाल रखे हैं। अगर आपको इसकी चटनी की रेसिपी चाहिए तो उस पर जाके देख लीजिए। और यहाँ पे हमने लिया है भुना हुआ जीरा, भुना हुआ धनिया और लाल मिर्च। धनिया की मात्रा ज़्यादा रखेंगे और बाकी लाल मिर्च तो अपने अनुसार डालिए। इस तरीके से सभी मसालों को हम इसमें डाल देंगे। और इसमें डालेंगे अब हम नमक। हमने यहाँ पे 2.5 चम्मच नमक लिया है, स्वाद अनुसार आप लीजिए। और इसे डबल स्पून की हेल्प से हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए इस तरीके से ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब हम इसको एक प्लेट पे निकाल लेंगे। और अब हम डालेंगे ऊपर से इसमें थोड़ी सी मीठी चटनी। और ये देखिए इस तरीके से आपको जितना मीठा पसंद हो, खट्टा मीठा उतना डाल दीजिए। और अब हम इस पे कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। क्योंकि हमने ज़्यादा लाल मिर्च नहीं यूज की है, यहाँ पे हरी मिर्च हम यूज कर सकते हैं जितना मन करे। और अब हम इस पे डाल देंगे कटी हुई हरी धनिया। तो आप कब बना रहे हैं ये रेसिपी, तो चलिए इसे ट्राई करिए और एंजॉय कीजिए। और लीजिए तैयार है हमारा घर का बना हुआ स्पेशल कचालू। तो एक बाइट मैं आपको दिखाती हूँ। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और रेसिपी पसंद ना आई हो तो चैनल को डिसलाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ये देखिए तैयार है हमारे कचालू।